हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाते हैं इस तरह का सॉफ्ट वेजिटेबल इडली और इंस्टेंट सांभर, जो खाके आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इंस्टेंट सांभर बनाने के लिए एक पैन गरम करेंगे, उसमें एक बड़ा स्पून हम तेल डाल रहे हैं और तेल को हम गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। इस स्पून से हम तुअर दाल, जो हम दाल बनाकर खाते हैं, 3 चम्मच हम तुअर दाल इसमें डालेंगे। 3 चम्मच और 1 चम्मच हम चने की दाल डालेंगे और 1 चम्मच हम उड़द की दाल डालेंगे और इसे हम गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। दाल हमारा गुलाबी हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच खड़ी धनिया डालेंगे, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, थोड़े से करी लीव्स, और मैंने 2 बड़े स्पून नारियल लिया हुआ है, तो इसे मैं डालकर इसे लाल होने तक भूनूंगी। और भुनी हुई सिंगदाना मूंगफली 2 चम्मच। अच्छी तरह से हमारा दाल और मूंगफली और नारियल अच्छे से भुन गया है, तो अपना गैस हम बंद करते हैं और ठंडा होने पर मैं मिलती हूँ आपसे। जब तक हमारा सांभर का मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक हम अपनी इडली की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सूजी लिया हुआ है, बारीक सूजी है। अगर आपके पास मोटी है तो उसे एक बार आप मिक्सी जार में चला लें। तो एक बड़ा बोल है, तो एक बड़ा बोल हम इसमें सूजी डाल देंगे और उससे छोटा कटोरी हम इसमें दही डाल रहे हैं। दही हमारी खट्टी होनी चाहिए, तो 1 कटोरी हम दही डाल देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। हम मिक्स वेजिटेबल इडली बना रहे हैं, तो मेरे पास जो भी वेजिटेबल है मैं इसमें डालूंगी। जैसे कि मेरे पास पत्ता गोभी है, तो बारीक काट लिया है मैंने, बहुत थोड़े थोड़े हैं। शिमला मिर्च है, उसे भी ले लिया है मैंने बारीक काट कर। मेरे पास कॉर्न पड़े थे, तो कॉर्न भी ले लिया है। और मेरे पास गाजर भी था, तो गाजर मैंने ग्रेट कर लिया है। आपके पास जो वेजिटेबल है, जो पसंद हो, वो वेजिटेबल्स आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक, और मेरे पास चिली फ्लेक्स है, तो मैं उसे 1 चम्मच डाल देती हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर को हमें गाढ़ा ही रखना है, जैसे हम इडली का रखते हैं। और इसे थोड़ा पानी कम डालेंगे, क्योंकि मैंने इसमें नमक डाला है तो सब्जियां भी अपनी पानी छोड़ेंगी, तो इस हिसाब से ही पानी डालिएगा अपना। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अभी हमने इतना ही पानी डालकर घोल तैयार करके रख लिया है। अब इसे हम ढककर साइड में रखते हैं और अपना सांभर बना लेते हैं। सांभर का मिश्रण हमारा एकदम ठंडा हो चुका है, तो एक मिक्सी जार में डाल देते हैं। अब इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और 2 चम्मच मैं काश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और इन सबको हम थोड़ा पानी डालकर एकदम महीन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम, जिसमें मैंने मसाला तैयार किया था, भुना था, उसे में हम ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें हम 3 से 4 ग्लास पानी डालेंगे, या जितना आपको गाढ़ा अपना सांभर चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी एडजस्ट कीजिए। तो इसमें मैंने अभी 1 ग्लास पानी डाला है और इसे मैं अपने मिश्रण में डाल दूंगी।
हमारे सांभर में उबाल आ चुका है और मैंने इसमें 2 ग्लास पानी डाला हुआ है और अभी इतना गाढ़ा है, तो इस समय हम इमली का पल्प डाल देंगे इसे खट्टा स्वाद देने के लिए। और सांभर मीठा अगर किसी को पसंद है तो आप 2 चम्मच में शक्कर डालूंगी, और जिसे नहीं पसंद है तो आप उसे मत डालिएगा। और इस समय आप अपने सांभर को टेस्ट कर लीजिए, अगर इसमें थोड़ी मिर्ची कम लग रही हो या खट्टा कम लग रहा हो या मीठा कम लग रहा हो तो आप इस समय इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे ढककर 5 मिनट तक और उबालूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारा सांभर उबल कर रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छा अपना गाढ़ापन लिए हुए हैं। तो गैस हम बंद करके इसे साइड रखते हैं। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं तो इडली का बैटर देख लेते हैं। ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, सब्जियों ने अपना पानी भी छोड़ चुका है, तो थोड़ा पानी हम इसमें और डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो 1 चम्मच में डालना चाहूँगी इसमें। अब इसमें आप नमक मिर्च का टेस्ट कर सकते हैं, मैंने टेस्ट किया ये एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच खाने का सोडा डाल रहे हैं, इससे हमारा इडली का जो इडली बनेगी वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। ये टीस्पून है, इससे हम चाय बनाते हैं, चाय जब हम बनाते हैं तो इसका यूज़ करते हैं, तो 1 टीस्पून है तो इतना काफ़ी है इसे फुलाने के लिए। और थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, बहुत ही 1 छोटा चम्मच, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने खाने का सोडा मिक्स कर लिया है और ये काफ़ी हद तक फूल चुका है। अब हम इडली के सांचे में तेल लगा लिया है मैंने इसमें, तो इसमें हम 1-1 स्पून डाल देंगे, क्योंकि इडली पूरी तरह से हम नहीं भरेंगे क्योंकि ये फूलेगी भी, तो 1 स्पून काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। इडली का मिश्रण मैंने भर दिया है, इसे 1 से 2 बार इस तरह से हिला दें। और एक साइड मैंने कुकर में पानी भरकर भी रख दिया था, तो ये इसमें उबाल आ चुका है, तो इसे मैं इसमें रख दूंगी। और मैंने रबर रहने दिया है इसके ढक्कन में, सीटी निकाल दी है, तो इसे हम 15 से 20 मिनट तक इसे हम स्टीम कर लेंगे और तेज आंच पे। सांभर में तड़का लगाने के लिए पैन को गरम कर लिया है, मैं तड़का देसी घी में लगा रही हूँ, आप जिससे चाहिए उससे लगा सकते हैं। तो 1 स्पून बड़ा स्पून मैंने घी रखा हुआ है, घी डाला हुआ है, इसे हम गरम होने देंगे। घी हमारा गरम हो चुका है तो मैंने राई का दाना इसमें डाल दिया है, वो भी तड़तड़ा चुका है। इस तरह की गोल मिर्ची आती है तड़के लगाने के लिए, तो उसे मैं डाल देती हूँ। और इसी समय मैं 1 छोटा प्याज काटकर डाल देती हूँ इसमें। हमारे सांभर में कोई बॉडी नहीं है ना वेजिटेबल का, तो इसलिए मैं टमाटर और प्याज का उसमें बॉडी देना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे तड़के में इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज भी हमारे हल्के से भुन चुके हैं, इसमें रंग नहीं लाना है, ट्रांसपेरेंट होने तक करना है, तो इसमें हम करी लीव्स डालेंगे। और इसी समय हम 1 छोटा चम्मच हींग डाल देते हैं। हींग डालने के बाद 1 बड़ा टमाटर लिया है मैंने, उसे बारीक बारीक काट लिया है, तो उसे भी मैं डाल देती हूँ। और इसे हम ढक देंगे जब तक कि टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल नहीं जाता। तो अपना ढक्कन खोलते हैं, देखते हैं टमाटर हमारा गला है कि नहीं। देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है, और अब इसका हम तड़का सांभर में लगा देते हैं। तड़का हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम सांभर में तड़का लगाते हैं। इडली हमारी ठंडी हो चुकी है, तो कुकर खोलते हैं हम। ये देखिए
इसे और भी अच्छी तरह से हम ठंडा करेंगे, उसके बाद में ही हम इडली को अपना डीमोल्ड करेंगे। तो सांभर हमारा रेडी हो चुका है, तो हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा सांभर और इडली एकदम रेडी हो चुका है। एक इडली मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी, बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए स्पंजी बना है, बहुत ही अच्छी इडली बनी है हमारी, बहुत अच्छा जाली आ चुका है। तो ये मात्र 30 मिनट में मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है। यदि यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।